गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक लामडिंग के ट्रेंडिंग जगह में जाने वाले, वो जगह भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है लामडिंग में। गाइस जो पिकनिक होता है ना गाइस, वो विंटर सीजन में ज्यादातर होता है, लेकिन हम लोग समर सीजन में भी ये पिकनिक टाइप कर ले रहे हैं। गाइस अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, पूरा एंड तक। गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक लामडिंग के ट्रेंडिंग जगह में जाने वाले, वो जगह भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है लामडिंग में, तो उधर जाने वाला हूँ। और आज के वीडियो में मेरे साथ है सुमन और इधर है अपना ताई मतलब ड्रोना। तो गाइस आज हम कुछ चीज भी लेके आए, उधर जाके थोड़ा धमाका करने वाले गाइस, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। और गाइस अभी चलते उधर, लेट्स गो। और गाइस आज का वेदर देख लो एक बार, क्या ही पूरा क्लाउडी होके रखा है, तो लेट्स गो गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल दे, एके IBMR7, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। गाइस अभी जो हम लोग जगह पे आए गाइस, यहाँ का जस्ट व्यू देखो गाइस, मतलब ये जगह खंगर गांव के थोड़े भीतर में है, और आप लोग जस्ट व्यू देखो मेरे तरफ चारों ओर, जस्ट वाओ। और गाइस ये जगह बेसिकली फार्मिंग के लिए जाना जाता है, पूरा खतरनाक व्यू है इधर गाइस। और आज का क्लाउड तो क्या ही बताऊं, पूरा दिल छू लिया इस क्लाउड ने गाइस, इतना सुंदर व्यू। और गाइस ये तो बस कुछ नहीं, हम लोग उस पहाड़ की तरफ भी जाने वाले, वॉक को आप लोग एंजॉय करो और एकदम एंड तक बने रहो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से आते आते गाइस यहाँ पर ये पक्का वाला रोड खत्म हो जाता है, और इधर में देखो, और गाइस इधर में देखो कच्चा वाला रोड यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से बोलोंग पर जा मतलब जा सकते हैं इस रोड से। और जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुनके अच्छा लगा है सेनोरिटा। सो गाइस अभी हम लोग इस जगह पे रुके हैं गाइस, यहाँ का जस्ट व्यू देखो यार, चारों तरफ मतलब खतरनाक वाला पहाड़ है गाइस, और क्लाउड भी खतरनाक वाला लग रहा है। तो इधर में हम लोग अभी कैंपिंग टाइप करेंगे गाइस, मतलब टेंट लगाएंगे फिर एंजॉय करेंगे। और गाइस देखो स्केट बोर्ड भी लाए हैं गाइस हम लोग, मतलब चलाने भी वाले हैं इसको, वाओ। गाइस हम लोग ने बहुत ज्यादा डिसाइड किया गाइस, और डिसाइड करने के बाद एक ही नतीजा सामने आया कि इधर बनाने का, मतलब हम लोग एक टेंट टाइप बनाने वाले हैं, और हम लोग चिकन भी लाए, चिकन भी बना के इधर हम लोग खाने वाले हैं। अपने पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था, इसलिए स्केटबोर्ड में ये वाला रख के हम लोग प्याज काट रहे गाइस, मतलब जुगाड़ बोल सकते हैं गाइस, खतरनाक वाला जुगाड़। सो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं चिकन गाइस, देख सकते हो मैं सुमन और मुकुंद हम तीनों जन मिलके बना रहे हैं, और इधर मैं सब कुछ मैरिनेट कर लिया, और अभी ये हो रहा है देखो, और एकदम नेचुरल वे में बना रहे गाइस, एकदम नेचुरल वे में, बहुत
देखता हूँ कैसे बनता है। तो देखो आप लोग मोनिटर जल्द है। तो गाइस इधर में अपना बन रहा है चिकन और इधर में अपना सेटअप देखो, मतलब छोटा मोटा। और गाइस ये जो सुमन है ना भाई, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है गाइस, ये सब कुछ कर रहा है असेंबल। और गाइस हम लोग अच्छे से अभी बना लेते हैं गाइस, फिर आपको अच्छे से व्यू को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए गाइस। और इधर में हम लोग घर से मतलब बनाना ट्री का वो पत्ता भी लेके आए गाइस, जो हम लोग केल पत्ता बोलते हैं या फिर कोला पत्ता बोलते हैं, वो लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग खाने वाले हैं, सब कुछ एकदम नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल। गाइस एक बार उठा रहा हूँ तो देखो, वाह गाइस खतरनाक गाइस, एकदम अपना रेसिपी है। तो अभी हो रहा है, थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। गाइस हम लोग कितना सुंदर से बना रहे थे गाइस, अभी बारिश भी आ रहा है गाइस थोड़ा बहुत, तो जितना हो सके ट्राई करेंगे जल्दी बनाने का। और ये तिरपाल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले गाइस, अभी थोड़ा बहुत बारिश तेज हो चुका है इसलिए हम लोग थोड़ा एक छोटा मोटा टेंट बना रहे हैं, अभी जुगाड़ कर रहे गाइस थोड़ा बहुत, अभी एक नहीं गिनने से हो गया गाइस। ये वाला देखो, इधर में अपना ये चिकन रेडी हो रहा है, और इधर में गाइस चिकन हो जाने से हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बस चिकन का ही टेंशन। हाँ चिकन का ही टेंशन है बस गाइस। थोड़ा बारिश कम गया, अपना लक फेवर कर रहा है, और इधर भी सूरज भी उठा हुआ है। और गाइस अपना चिकन ऑलमोस्ट रेडी है गाइस, और हम लोग सब चीज़ यहाँ पर लेके आ गए। गाइस एक बार अपना हालत देखो तीनों का, क्या हालत हो चुका है, मतलब बारिश आया था गाइस हम लोग का पूरा फट चुका था गाइस सच में। जैसे तैसे अभी भी चिकन तो थोड़ा बहुत बाकी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब आग तो नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना देर में मैं बना लेता हम तीनों मिल के। गाइस जो पिकनिक होता है ना गाइस, वो विंटर सीजन में ज़्यादातर होता है, लेकिन हम लोग समर सीजन में ये पिकनिक टाइप कर ले रहे हैं, तो अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी भी है। जियो तो ऐसे जियो जैसे आखिर हो। यस ये बात सही कहा, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, क्या पता कल होना हो, लेकिन आज तो जी सकते हैं ना, तो आज ही जी लेते हैं गाइस। एक केला पत्ता में हम लोग अभी इसको रखेंगे अच्छी तरीके से। वाओ गाइस क्या ही मतलब स्वाद आ रहा है देख के ही। गाइस फाइनली गाइस बहुत गाइस, ये जो चिकन देख रहे हो गाइस, इसको हम लोग ड्राई चिकन बोल सकते हैं या फिर जो भी बोले, बनाया तो हमने ही, हम तीनों ने मिलके गाइस इतना परेशानी उठा के हम लोग बनाया गाइस। पहले तो फायरवुड का चिंता था, फायरवुड मतलब लाया, फिर ये पत्थर लाया, फिर बाद में बारिश भी आया, फिर बारिश की वजह से हम लोग तिरपाल भी लगे। फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है, और देखने में क्या लग रहा है यार, वाह मुँह में पूरा पानी आ चुका है गाइस। इधर में बहुत देर से एक लेग पीस देख के रखा था मैंने, सॉरी यार आप लोग को लिए गाइस, एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है खाने के बाद। कोलीजा को कोलीजा गाइस, कोलीजा पाई गलो गाइस। इधर में स्केटबोर्ड लेके थोड़ा अप में जा रहा हूँ, उधर से चलाऊंगा गाइस, अच्छा लगेगा। और भी खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या। सो गाइस थोड़ा बहुत स्केटबोर्ड चलाया, उतना अच्छे से नहीं आता लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये जगह बहुत सुंदर है गाइस, और स्केटबोर्ड चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स गो। मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। सो गाइस आज के वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही खत्म, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मेरे चैनल पे हमेशा आते रहता है गाइस। और इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। पता रहे ना किसी का।